अजीत पवार ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर जमकर हमला बोला है। विभाग आवंटन पर भी अजीत ने बड़ा बयान दिया है। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में भी वो शामिल होने वाले हैं। अब आइए विस्तार से समझिए कि अजीत पवार ने वित्त मंत्रालय मिलने के बाद अपने बयान में क्या कुछ कहा है और क्यों उनके इन बयानों की चर्चा हो रही है। वित्त मंत्रालय मिलने के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि उनका 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम है। वो बैठक के दौरान राज्य में किसानों के सामने आने वाले मुद्दों को उठाएंगे, वित्त और योजना विभाग का प्रभार संभालेंगे। और अजीत पवार ने यह भी कहा कि वो और उनके जो विधायक हैं, जो भी मंत्रालय का आवंटन किया गया है उससे वो खुश हैं। 2 जुलाई को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में ये सभी शामिल हुए थे, जैसा कि आप सब जानते हैं। दरअसल उप मुख्यमंत्री अजीत पवार शनिवार को नासिक में शासन आपल्यादारी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। यहां अजीत पवार ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलूंगा। बैठक के दौरान उनके साथ किसानों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को उठाऊंगा। प्रफुल्ल पटेल और मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक में शामिल हो रहे हैं, यानी एनडीए की गठबंधन। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत के इस कथित दावे के बारे में पूछे जाने पर कि शिंदे के नेतृत्व वाला धड़ा वित्त मंत्रालय छोड़ने का इच्छुक नहीं था, ये चर्चाएं चल रही थी। और इस पर जब बयान आया और इस पर पूछा गया अजीत पवार से, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, ये अनावश्यक माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। हम विभागों के आवंटन से बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में करीब 14 पद रिक्त हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में पूछे जाने पर अजीत पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री फैसला करेंगे, मैं इस बारे में क्या बोलूं। शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में अब 28 कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन कोई राज्य मंत्री नहीं है। मंत्रालय में अधिकतम 43 सदस्य हो सकते हैं। ऐसी अटकलें थी कि शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं। राज्य में लंबित निकाय चुनाव के बारे में पूछे जाने पर अजीत पवार ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण सहित 4 से 5 मुद्दे उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आगे वो कहते हैं कि मतदाता सूची पूरी होने पर संबंधित मुद्दों पर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद राज्य में चुनाव होंगे। राज्य में समान प्रगति होगी और कोई मतभेद नहीं होगा। राज्य में कई समुदाय और जातियां हैं, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। महायुति महागठबंधन में हम मिलकर काम करेंगे और सभी के विकास के लिए प्रयास भी किए जाएंगे। ये सारी बातें पत्रकारों के सवाल पर अजीत पवार ने कही। ये कहे जाने पर कि एनसीपी संस्थापक शरद पवार के स्वागत के लिए नासिक में लगाए गए पोस्टर्स में उनकी तस्वीर गायब है, इस पर उन्होंने कहा कि पवार साहब हमारी प्रेरणा है, हमारे आदर्श है, उनकी तस्वीर मेरे केबिन में भी है। आपको बता दें कि शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार के शुक्रवार को दक्षिण मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में कुछ सर्जरी के संबंध में वो पहुंची थी। ऑपरेशन के ठीक बाद अजीत पवार प्रतिभा पवार से मिलने पहुंचे थे। आधिकारिक आवास सिल्वर ओक गए थे, घर पे उनसे मुलाकात की उन्होंने। एनसीपी में बगावत करने के बाद पहली बार ऐसा मौका था जब वो शरद पवार से मिलने पहुंचे थे। चाचा शरद से उनकी हालिया खींचतान और पार्टी में दो फाड़ को देखते हुए उनकी इस मुलाकात को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे। अजीत पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद दोनों की ये पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात से जुड़ी कोई ठोस जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन हाँ, राज्य की सियासत में बदली परिस्थितियों को देखते हुए चाचा शरद के घर अजीत के पहुंचने को लेकर तमाम बातें हो रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि वित्त मंत्रालय मिलने के बाद वो अपने चाचा का हो सकता हो आशीर्वाद लेने पहुंचे हो। बहरहाल महाराष्ट्र की सियासत बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। इस वक्त वहां पर हर दिन नए प्रयोग भी हो रहे हैं और नई नई खबरें भी वहां से आ रही हैं। अब जब विभागों का बंटवारा हुआ है, उसके बाद अजीत पवार ने अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए पहली बार मीडिया से बातचीत की है और ये बोला है कि वो अपने लिए और अपने विधायकों के लिए जो भी मंत्रालय मिला है, जो भी विस्तार हुआ है, उसमें वो खुश हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।